Hello, bachho. Let's read this question. Oil remain as liquid in winters because oils winter mein liquid rehta hai. Aisa kyun? To hum yahan par padhte hain fatty acid saturated or unsaturated. Saturated or unsaturated. ठीक है, सैचुरेटेड जो होते हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं मिलता, तो यहां लिख देते हैं विदाउट डबल बॉन्ड होते हैं ये. अनसैचुरेटेड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, विद वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इसमें कार्बन कार्बन क्या मिलता है, डबल बॉन्ड मिलता है. ठीक है, अब अगर हम ऑयल्स की बात करते हैं, ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, आप देखते हैं जो फैट्स हैं और ऑयल्स हैं ये आप किस बेस पे पढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे. ऑयल्स होते हैं ना उनका लोअर होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए ऑयल विंटर में कैसा रहता है, लिक्विड रहता है. मेल्टिंग पॉइंट लोअर है. ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखें जो आपके फैट्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में मिल रहे हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा. तो यहाँ ऑयल के लिक्विड होने का क्या कारण है विंटर में, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. ऑप्शन ए करेक्ट है. दे आर वाटर सॉल्युबल, तो ऑयल को कभी वाटर में डालिए क्या वो सॉल्युबल है, नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाता है. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता तो ये आपको नहीं मिलते. ठीक है, सो लिक्विड नहीं मिलते विंटर्स में, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 144 पर गिवन है. थैंक यू.